हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर हम जो है हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है ये रेड और ये है सेकंड ग्रीन। तो इन दोनों कलर में आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसे चूज़ करिए। और आज जो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम वो ये हैं। एक तो ये टैरो यूज़ करेंगे और साथ में हम प्लेइंग कार्ड्स यूज़ करेंगे और हम इसमें इनिशियल्स भी देखेंगे, इनिशियल्स और नंबर्स। तो मैं आप हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। जैक ऑफ डायमंड, एट ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ हार्ट और एस ऑफ स्पेड, नाइन ऑफ डायमंड, सिक्स ऑफ हार्ट और ओवरऑल एनर्जी जो है वो टेन ऑफ स्पेड है। और साथ में हमें टैरो में जो आया है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, टू ऑफ सोर्ड्स अपराइट, पेज ऑफ सोर्ड्स अपराइट, स्ट्रेंथ और टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड। और साथ में जो एंड ऑफ द डेक था वो था जस्टिस रिवर्स्ड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस भी है। और स्ट्रॉन्गली जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है वर्गो और सजिटेरियस, लियो। तो ये जो साइंस है वो प्रोमिनेंट है और बाकी सारे सब साइंस यहाँ पर है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया है या आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है, कुछ सही डिसीशन नहीं लिया और बहुत ही एनालिटिकल तरीके से इन्होंने सोचा। मीन्स कि इन्होंने कुछ ऐसा डिसीशन लिया जो कि इनका हार्ट नहीं मान रहा था, इन्होंने दिमाग से सोच के ऐसा कुछ डिसीशन लिया। हो सकता है अपने जो है करियर के लिए या फैमिली के लिए इन्होंने ऐसा कुछ डिसीशन लिया हो। तो अब ये जो पर्सन है ये काफ़ी जो है अब उदास है, बहुत दुखी है कि इन्होंने जो भी डिसीशन लिया उसकी वजह से ये पछता रहे हैं और अब ये इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते। विद द थ्री ऑफ सोर्ड जो रिवर्स्ड है ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत अब थक चुके हैं ऐसे गुस्सा होके या ऐसे दुखी होकर, काफ़ी ये थके हुए लग रहे हैं। तो ये थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन अब आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। मीन्स अब उनके हार्ट के जो डोर हैं वो उनको अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। तो विद द एट ऑफ क्लब्स एंड नाइन ऑफ डायमंड, तो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन हमेशा सोचते हैं कि आपको कम्युनिकेट करने के बारे में, आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो अपने वर्क में भी रहते हैं तब भी वो आपके बारे में यहाँ सोचते रहते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके हार्ट में ऐसी सारी बातें ये चल रही है। तो उनके हार्ट में ये चल रहा है, वो चाहे वर्क में हो या कहीं पर भी जाते हो, वो 24 आवर्स जो है उनके माइंड में हमेशा यही बात चलते रहता है। साथ में जो है यहाँ हमें मिला है जो सेवन ऑफ हार्ट और सिक्स ऑफ क्लब। तो ये पर्सन डेफिनेटली जो है आपसे जो है ये चाहते हैं कि सब कुछ जो है रीडू करें। मीन्स दोबारा इनको अगर चांस मिले तो ये सारी चीज़ें ठीक कर लें। इनको ऐसे भी फील होता है क्योंकि इनकी जो एक्चुअल हैप्पीनेस है
वो आप ही से ये फील करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों, आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इमोशंस है, वो आपके साथ वो जो फील करते हैं, जो एक हार्ट में एक सिक्योर फील करते हैं, इमोशनली सिक्योर फील करते हैं, आपके ऊपर वो विश्वास भी करते हैं। साथ में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कंपैटिबल मुझे यहाँ दिख रहा है, और साथ में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी है। तो आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है मोस्टली। हो सकता है आपके पर्सन दूर किसी स्टेट में रहते हो या फिर अलग कंट्री में, मुझे नहीं लग रहा है, पर हो सकता है कि कंट्री अलग हो या फिर दूसरे स्टेट में रहते हो, मीन्स आपसे दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन और आपको जो ये पर्सन देख भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। हो सकता है कम्युनिकेशन में इन्होंने कुछ ऐसा कहा, मीन्स आपसे कुछ ऐसी बात कर दी जो कि आपको जो है पसंद नहीं आई, या फिर आपको उस चीज़ को लेके काफ़ी हर्ट फील हुआ हो, ठीक है, आप डिसअपॉइंट हुए हो उस कम्युनिकेशन से, और इनको भी लगता है कि इन्होंने जो है आपका हार्ट तोड़ा है। तो इस चीज़ से उस उनके अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। विद द टू ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ही इन्होंने पास्ट में जो डिसीशन लिया है वो काफ़ी पेनफुल डिसीशन था इनके लिए, ये ऐसा नहीं करना चाहते थे। इन्होंने सिचुएशन में जो है सही डिसीशन नहीं लिया, इनजस्टिस किया, तो इन्हें बहुत इन्होंने मजबूरी में किया है, ये आपको ये भी आपके लिए ये फील कर रहे हैं। तो पर अब इन्हें बहुत ज़्यादा ही ये इनके बहुत ज़्यादा हार्ट में डीप ये वाली बात इनके हार्ट में फंसी हुई है कि इन्होंने आपका जो है दिल दुखाया। इन्होंने बहुत एनालिटिकल वे में बिहेव किया और कुछ ऐसे आपसे कम्युनिकेशन किया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, और ये आपको हर्ट करके खुद भी काफ़ी हर्ट हुए। तो जैसे कि हमें आया है टू ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, ठीक है, वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो जो आप जो भी आपसे बोले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बोले हैं, मीन्स कि वो हालातों के ऐसे मजबूरी में आ गए कि इनको आपको ऐसा कुछ बोलना पड़ा या फिर आपसे कम्युनिकेशन इनको ब्रेक करना पड़ा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग भी है, सोलमेट का कनेक्शन है, ये सोलमेट का कनेक्शन है। साथ में आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी यंग एज से जानते हो, चाइल्डहुड भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी आप लोग हो सकते हैं। तो विद द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल अब ये नहीं सह पा रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप वो जो है आप लोग अलग हो चुके हो, ठीक है। तो ये उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है, अब उनको लग रहा है कि उनको ये चीज़ का भी डाउट है कि कहीं आपके हार्ट में उनके लिए जो इमोशंस है वो तो नहीं ख़त्म हो गए, क्योंकि आप लोग के बीच में जो है डिस्टेंस भी है, साथ में टू ऑफ कप्स जो है रिवर्स्ड भी है। तो बहुत ज़्यादा हार्ट में जो दुख है मुझे यहाँ इन कार्ड्स में दिख रहा है, बहुत रिग्रेट यहाँ पर है, बहुत लॉस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो अब वो चाहते हैं कि जो भी अनहैप्पीनेस था, जो भी प्रॉब्लम्स था, उसे रिप्लेस कर दे वो खुशी में, मीन्स जॉय में वो रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अब उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आ गया है, तो अब उनके हार्ट में रिकन्सिलेशन वो चाह रहे हैं आपसे, आपसे आपके बिना वो अब रह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो भी गलतियाँ की थी उनके लिए उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पछतावा है, वो चाहे वो बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, पर उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा जो है दुख है। तो अब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आ रहा है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि स्ट्रेंथ आ चुका है उनके हार्ट में, जो पहले वो बहुत ही ऐसे बात करते थे जैसे इमोशंस नहीं है, पर एक्चुअल में हार्ट में काफ़ी इनके इमोशंस अब आ चुका है। और उनको ये भी लगता है कि आप में वो सब है जो कि वो हमेशा से चाहते थे, तो उन्हें ये भी सारी फीलिंग्स आ रही है, मीन्स यहाँ आपको वो डीपली मिस कर रहे हैं और बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्योंकि ये भी हमें जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है,
स्ट्रेंथ कार्ड भी बताता है कि रिकॉन्सिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि वो ये दुख और सह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ इनजस्टिस किया है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, क्योंकि हमें जो है जस्टिस कार्ड रिवर्स्ड में आया है, तो इनजस्टिस किया है उन्होंने आपके साथ। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स मुझे यही लग रही है कि ये पर्सन बहुत ही अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, और ये आपको जो है इन्होंने जो भी किया है उसके लिए बहुत उदास फील करते हैं, और ये इनको ये वाली जो है हिम्मत भी नहीं आ रही है कि ये आपको आके बोले। शायद इन्होंने आपको कम्युनिकेशन के थ्रू सॉरी कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो गए हो और आप ही आगे बढ़ चुके हो। अब ये पर्सन उन सारी चीज़ें जो है उनके हार्ट में ये सारी बातें चल रही है, तो ये इनके हार्ट में ट्रू फीलिंग्स है जो कि ये आपको नहीं बताते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ग्रुप वन के पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या उनके स्पीकिंग नेम, द नेम जो हमें आए हैं जी आर डी क्यू एक्स 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 यू वाई ए क्यू बी डी एच आई एस एस वाई क्यू क्यू टी और यू, साथ में जो नंबर्स हैं 6 2 7 3 8 2 8 3 और 8, साथ में एक्स आया है और ये है जी स्मॉल जी और ये है वाई और एल और है डी। ठीक है, तो ये लेटर्स और नंबर्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्पेड, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ डायमंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और किंग ऑफ स्पेड एरीज, 2 ऑफ डायमंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5 ऑफ स्पेड अगेन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और 8 ऑफ डायमंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो है जैक ऑफ हार्ट कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये आपका साइन हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। और साथ में हमें जो टैरो में आया है वो है 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, और द मैजिशियन अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड और जस्टिस अपराइट। और साथ में जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, और जो प्लेइंग कार्ड्स में हमें आया है ओवरऑल एनर्जी वो है 6 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, ठीक है, एरीज तो यहाँ के पर्सन की एनर्जी लग रही है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है ग्रुप टू आपके लिए, 10 ऑफ स्पेड 2 ऑफ डायमंड जो है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर सॉरी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग साइन है, साथ में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है। और एरीज लियो सेजिटेरियस भी विद द सिक्स ऑफ क्लब्स, और यहाँ जो वैंड्स की एनर्जी है वो भी दिख रहा है। तो आपके पर्सन के हार्ट में ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुके हैं, क्योंकि वो जो ये क्रॉस रोड में थे, मींस कि आपके साथ रिलेशनशिप था और इनका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप था, हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। तो ये पर्सन जो क्रॉस रोड में थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे और ये और वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने पास्ट में जो है एंड कर दिया। हो सकता है कि आपको इन्होंने लिखे रिटर्न फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा हो और फिर एंड कर दिया हो रिलेशनशिप। हो सकता है आपको मैसेज किया हो व्हाट्सएप में या कहीं पर भी आपको मैसेज किया हो और आपसे अपना जो पार्टनरशिप है वो एंड किया है। साथ में जो है यहाँ दिख रहा है फाइव ऑफ स्पेड और टेन ऑफ डायमंड। हो सकता है इनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ रही हो रिलेटेड टू फाइनेंसेस, जिसकी वजह से इन्होंने एंड किया हो रिलेशनशिप। फाइनेंसेस की वजह से या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही हटा दिया। इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको इन्होंने हटा दिया अपने लाइफ से, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा जो इस रिलेशनशिप से बहुत ऐसे लग रहा है कि खतरा सा लग रहा था, या फिर ये बहुत सावधानी इस रिलेशनशिप में बरत रहे थे। मीन्स ये ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें कि ये फ्रीली जो है बता नहीं पा रहे थे कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप है। तो आपके साथ जो फीलिंग्स थी इनकी वो मैजिशियन अपराइट है, मीन्स कि ऐसा इनको ये काफ़ी परेशान भी हो गए थे कि ऐसा किसी के साथ कैसे अट्रैक्शन हो सकता है। मीन्स बहुत ही मैजिकल सा फीलिंग है इनके हार्ट में आपके लिए। ऐसा कोई रिलेशनशिप आप इस पर्सन को स्ट्रेस फ्री और ऐसे टाइप का फील कराते होंगे, मीन्स कि आपके पास आपसे बात करते होंगे तो काफ़ी अच्छा सुकून फील करते होंगे। और साथ में ये जो पर्सन है आपके, वो उनको ये लगता था इतना ऐसे कैसे ट्रू हो सकता है, मीन्स ऐसा कोई फीलिंग ये पर्सन नहीं जानते थे पहले। तो आपके आपको मिलके इनको ये पता चला कि प्यार बहुत मैजिकल होता है, पर इन्होंने जो है दिल में पत्थर रख के ये डिसीशन लिया है बहुत दुख के साथ। इन्होंने इनको एकदम अचानक से ये अवेकनिंग हुआ कि अब यही राइट डिसीशन है, अलग होना ही राइट डिसीशन है, और इसलिए ये पर्सन ने विदाउट रिग्रेट आपसे इन्होंने जो है ब्रेकअप ले लिया। ये मुझे यहाँ कार्ड्स में इस जस्टिस कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी तो हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, देन है टू ऑफ कप्स। तो अभी इस पर्सन के जो हार्ट में है वो पुल वो फील नहीं कर पा रहे हैं अभी आपकी तरफ, तो अभी थोड़ा सा रिपल्शन मोड में है। मीन्स कि ये थोड़ा सा अभी इतना इनके हार्ट में वो अट्रैक्शन नहीं जाग रहा है। और साथ में जो किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि हमें रिवर्स्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को अभी रोमांस में इतना इंटरेस्ट नहीं है और वो इन चीज़ों के बारे में अभी बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोग के मुझे ये लग रहा है कि ये फाइनेंसेस में इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है भारी, जिसकी वजह से ये जो है अभी रिलेशनशिप मैटर्स में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पर आपके लिए उनके हार्ट में मैजिशियन अपराइट है, मीन्स कि इनके हार्ट में आपके लिए वो फीलिंग है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनको फील होता था ऐसे लग रहा है, पर फाइनेंसेस की वजह से इस पर्सन ने या फैमिली की वजह से इन्होंने मूव आउट किया है। साथ में है फिर हमें यहाँ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स ये फिर बता रहा है कि कुछ फाइनेंशियल सेटबैक इनके लाइफ में आया है या फिर कुछ ऑब्स्टेकल आया है आप लोग के रिलेशनशिप फॉर्म होने में। मीन्स कि आपका रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्रॉस रोड पे हो, या फिर किसी बिजनेस डील की वजह से या अपने काम की वजह से इन्होंने ये आपसे दूर हैं और उसकी वजह से आप लोग के बीच में ये रिलेशनशिप नहीं टिक पाया, ऐसा भी दिख रहा है।
तो एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी डीले का कार्ड है और साथ में कुछ फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ दिख रहा है, मीन्स रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो पा रहा था ये मुझे दिख रहा है। और हमें जो सिक्स ऑफ वैंड्स आया है वो है इन रिवर्स। तो सिक्स ऑफ वैंड्स जो रिवर्स्ड होता है इसका मीनिंग ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि मैजिशियन, तो ये पर्सन को आपने जो फील कराया वो इन्होंने कभी ऐसे फील नहीं किया। तो उनको ये लगता है बहुत ऐसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो इसे इमेजिनरी टाइप का एक उनके हार्ट में ये फीलिंग आ गई थी, मीन्स कि वो इस रिलेशनशिप को सच्चाई, मीन्स ज़्यादा आप लोग के बीच में कोई सॉलिड ऐसे रिलेशनशिप नहीं था, मीन्स आप लोग के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर रहते होंगे आप लोग और ऐसा टाइप का रिलेशनशिप होगा, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ वो कमिटमेंट नहीं कर पाए। साथ में इनको ये भी डर है कि इनका अगर ये रिलेशनशिप आपके साथ एक्सपोज हो गया तो फिर इनके फेम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मीन्स इनका जो समाज में जो है नाम ये सब इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऐसे जो है प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में यहाँ पर हमें सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो है ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुके हैं, ठीक है, और जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में पेन था वो उन्हें पीछे छोड़ के अब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स वाले लग रहे थे, इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब आगे जो है आगे अपना फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो है पर्सन दूसरे लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप वो सही हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आए और आपके पर्सन बहुत इन सारे चीज़ों को लेके वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए और इन्होंने जो है जस्ट नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, तो बहुत ज़्यादा ये ग्रीफ में है पर इन्होंने ट्रू फीलिंग्स जो है अपने एक्सप्रेस नहीं किए आपसे और साथ में आपसे कम्युनिकेशन भी इन्होंने जो है बंद कर दिया। पर इनके जो फीलिंग्स है हार्ट में वो है जैक ऑफ हार्ट्स, तो ये आपको जैक ऑफ हार्ट्स की तरह देखते हैं, एक ऐसा मीन्स कोई ड्रीम, कोई सपनों से आया हो कोई ऐसा पर्सन की तरह देखते हैं, क्योंकि हमें ये मैजिशियन भी आया था, मीन्स जितना टाइम भी आप लोग का रिलेशनशिप रहा वो बहुत मैजिकल रहा होगा, तो ये मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही है कि अभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और काफ़ी अभी कंट्रोलिंग नेचर के भी हैं ये पर्सन, एक्सट्रीम कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर भी हमें किंग ऑफ स्पेड आया है और यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्स आया है, दोनों ही बताते हैं कि काफ़ी कंट्रोलिंग ये पर्सन है। और साथ में यहाँ विथ 210 जो है यहाँ, तो आपके पर्सन डिस्टेंस में भी है, दूर रहते हैं आपसे फिजिकली, ये भी मुझे दिख रहा है, मीन्स अभी दूर हो गए हैं। तो इन्होंने बहुत रिग्रेट के साथ ये जस्टिस लिया है क्योंकि इनको लगा कि वही सही है, मीन्स इनको इस बात का जो है अब ये रिलेशनशिप में काफ़ी पेन था, तो अब इन्होंने इसे छोड़ के आगे ये डिसीजन लिया है कि वो अब आगे के तरफ देखेंगे, तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही है। सो ग्रुप वन के लिए हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर पूरा नाम। एंजल प्लीज गिव मी द नेम ऑफ पर्सन लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर ग्रुप वन के, सॉरी ग्रुप टू के, इन्होंने ये ग्रीन चूज़ किया है। जो हमें वर्ड्स आए हैं वो है वाई बी डब्ल्यू यू डी ओ ए जी ए एल W
एक्स जी क्यू सी एफ जे एफ, हो सकता है इसमें पूरा ही नाम आ जाए क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। और जी तो इसमें हो सकता है मंथ भी आए, जिस मंथ में आप लोग मिले थे, या तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। यहाँ दो बार एक्स आया है, के एच और यू। साथ में जो हमें वर्ड्स नंबर्स आए हैं वो है 6 1 3 3 3 3 5 5 6 6 6 2 2 2 4 और 0। तो ये जो 3 बार 6 आया है, रिपीटेड नंबर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो 3 3 3 4 बार आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 बेसिकली जो होता है कम्युनिकेशन का हो रहा है, पर आप लोग के बीच में नहीं हो रहा है। साथ में 6 जो होता है, 6 मेरे अकॉर्डिंग 6 इतना जो है अच्छा नंबर नहीं है। 6 डेविल का नंबर होता है, तो इसलिए अभी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, 6 6 6 जो 3 बार 6 आता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। साथ में यहाँ अलग से आया है बी, तो इसमें आपका